ग्रामीण स्वलंबन समिति टीकमगढ़ द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण परिषद टीकमगढ़ आजीविका प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कोविड 19 के कारण प्रभावित होने वाले प्रवासी मजदूर परिवार के दिव्यांग सदस्यों को ग्रामीण स्वलंबन समिति द्वारा ट्राई साइकिल वितरित की गई। ट्राई साइकिल के साथ जीविका संचालित करने के लिए रोजमर्रा में उपयोग होने वाली खाद्य सामग्री की किट वितरित की गई, जिससे दिव्यांग भाई बहन अपनी साइकिल पर रखकर चौक चौराहे पर बेचकर अपनी जीव का संचालित करके अपने परिवार के बोझ से मुक्त हो सके। माँ सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर प्रोत्साहन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक प्राधिकरण जिला न्यायाधीश श्रीमती इंदिरा सिंह, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुभाष कुमार सोलंकी, सात विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। जी, यहाँ पे दो जगह थे, दिल्ली से जो हमारे सहयोगी आए थे, जिन्होंने एक तो जन चेतना और एक ये वाला है दूसरा दिव्या, तो इन दोनों ने मिलके उस पर किसी ने एक ने राशन दिया है और एक ने उनको ट्राईसाइकिल प्रदान की है। जैसा कि आपको पता है कि ग्रामीण स्वावलंबन समिति जो यहाँ पे है उसने एक निश्चय किया था, 15-20 साल से काम कर रही है, मैं भी उसके साथ अभी वर्ष भर से जुड़ी हुई हूँ और हम उन किशोरियों को जो पलायन कर जाती हैं उनके बीच संवाद के लिए कई सेमिनार कंडक्ट करा चुके हैं। फिर उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं जो न्यायाधिपति जो बैठे हुए हैं जो न्याय करते हैं उनको भी हम एक मोमेंटो दें, साथ में हम उन्हीं के द्वारा ये ट्राई साइकिल दिव्यांगजनों को वितरित कराएं। और फिर सोचा कि खाली ट्राई साइकिल से कैसे होगा, तो ये राशन जो उन्होंने उपलब्ध कराया है, सामान आप देख रहे हैं सामने, तो वो भी, तो दोनों के साथ में अब उनकी आजीविका सही ढंग से चलेगी। दूसरा बात, लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी इस चीज़ से कि हम अपनी आजीविका चला सकते हैं और दिव्यांगजनों में एक प्रोत्साहन होगा, एक उत्साह रहेगा, जो कोविड-19 के दौरान ये जो घटना घटी है उसके द्वारा कई लोग उससे प्रभावित हुए हैं, तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ जिसमें सभी का सहयोग था, जिसमें विधिक सहायता के जो हमारे सचिव है सचिन श्रीवास्तव जी और ब्रजेश पटेल जी, उन्होंने और बाकी सभी लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को दिया और मुख्य न्यायाधीश महोदय श्रीमती इंदिरा सिंह मैम पहुंची थी, पुलिस प्रशासन से हमारी डीएसपी प्रियंका सिंधे थी, बाल कल्याण न्यायालय समिति से मैं हूँ, मतलब इस तरीके से हम लोगों ने ज्वाइंट एफर्ट को काम सहयोग करके कि हम दिव्यांग जनों के लिए क्या कर सकते हैं। बाकी लोगों को तो सभी कुछ मिल रहा था मगर उनको रोजगार की जो हम परेशानियां देख रहे हैं, जैसे आप अस्पताल के सामने देख रहे हैं कि लोग नीचे बैठ के सामान बेचते हैं, दिव्यांग हैं, फिर उन्हें कोई लेके जाता है, तो अब इस तरह से कम ये लोग अपनी आजीविका चला सकेंगे और चूंकि मटेरियल है तो उसको सेल करने के बाद रीसेल कर पाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है टीकमगढ़ जिले का और मैं चाहूंगी कि आपके द्वारा ये बाहर तक जाए और पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जो दिव्यांग लोगों को बांटे गए हैं कि आज शहरी क्षेत्र थे या ग्रामीण क्षेत्र थे? नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, शहरी क्षेत्र नहीं थे, लेकिन अब जो प्रयास किया जाएगा कुछ शहरी और कुछ ग्रामीण दोनों को मिला के किया जाएगा। शीघ्र ही उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम और भी ज्यादा मदद करेंगे, बल्कि जो महिलाएं अब जैसा कि आपको पता है कि कईयों के घर उजड़ गए हैं, तो यदि वो रोजगार करना चाहे तो सिलाई मशीन का भी अगला हम लोगों ने टारगेट रखा है कि सिखाएंगे भी और सिलाई मशीन भी वितरित करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।